हेलो फ्रेंड, माया इंडियन फूड में आपका स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं अरबी की सब्जी। चलो रेसिपी शुरू करते हैं। यह है हमारी 1 किलो अरबी। इसको हम अच्छे से अब छील लेंगे। हमने धो लिया इसको अच्छे से, अब इसको हम छील लेंगे। छीलने से पहले इसमें थोड़ा सा हम सरसों का तेल लगा लेंगे। ये देखिए सरसों का तेल, इसमें जो गोदली सी होती है वो हाथों में नहीं लगेगी। ये देखिए अब इसको अच्छे से हम छील लेंगे। ये देखिए एक एक करके ऐसे, ये देखिए अरबी को हम अच्छे से छील लेंगे। इसको हाथों को तेल लगाना है, सरसों का तेल, ताकि आपके हाथ में इसकी गोजली होती है जिसमें वो ना लगे। ये देखिए अब हमने अरबी को सारी को छील लिया है। देखिए अच्छे से छील लिया है और धो लिया है इसको अच्छे से, पूरा सूखा कर लिया है इसको। अब देखिए इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काटेंगे। आप जैसे चाहे वैसे काट सकते हैं, वैसे काटेंगे लंबे लंबे। ये देखिए सबको ऐसे कि ऐसे इसी शेप में काट लेंगे इस तरीके से। ये देखिए ये हमारे मसाले हैं। ये देखिए ये 8-10 कली लहसुन की है, ये अदरक की गट्ठी है काट ली हमने, ये प्याज हैं, हरी मिर्ची है, ये टमाटर हैं 2 बड़े वाले। इसको हम अब मिक्सी में पीस लेंगे। और ये हमारा तड़के के लिए प्याज है, जो हमने एक प्याज तड़के के लिए काटा है, इसका हम तड़का लगाएंगे। तो हम गैस को जला लेते हैं, बर्तन को रख देते हैं ऊपर, थोड़ी देर इसको गर्म होने देंगे। बर्तन हमारा गर्म हो चुका है, अब हम डालेंगे इसमें सरसों का तेल। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है अच्छे से, अब हम इसमें अरबी को फ्राई करेंगे। देखिए थोड़ी थोड़ी कर लेंगे इसको फ्राई कर लेंगे, हल्का फ्राई करेंगे इसको, बाद में इसको फिर तड़का लगाएंगे। ये देखिए हमने अरबी को अच्छे से लाइट सा फ्राई किया, इसको ज़्यादा नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा सा ही करना है, बस 2-3 मिनट के लिए। ये देखिए अब हम लगाएंगे इसमें तड़का। 1 चम्मच डालेंगे जीरा और डालेंगे इसमें हम तेज़पत्ता, और डालेंगे इसमें हम मेथी। मेथी इसमें ज़रूरी होती है, और ये डालेंगे अजवाइन, ताकि इसका बैलापन है जो वो ख़त्म हो जाए। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप डालेंगे हम इसमें प्याज, और साथ में ये लहसुन डाल देंगे जो हमने दरदरा कर रखा है, साथ में इसके अदरक डाल देंगे, साथ में इसके हरी मिर्ची। इसको थोड़ी देर ब्राउन होने देंगे, तब तक ये सुनहरा गोल्डन होगा, तब हम देंगे इसको अभी थोड़ी देर 2-3 मिनट के लिए। और हमारा मसाला ये प्याज हमारे सारे ब्राउन हो चुका है, लाइट ब्राउन, देखिए गोल्डन। अब हम इसमें डालेंगे टमाटर, अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमने इसमें टमाटर डाल दिया है, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और 2-3 मिनट के इसको पकने देंगे। बाद में इसमें और सूखे मसाले डालेंगे फिर। अब हम इसको 2 मिनट के लिए ढक देंगे। हो चुके हैं थोड़े, हम डालेंगे इसमें मसाले। अब हमारे टमाटर हो चुके हैं थोड़े, अब हम इसमें डालेंगे मसाले। 1/2 चम्मच डालेंगे हल्दी पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे धनिया पाउडर, 1 चम्मच डालेंगे गरम मसाला। इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। देखिए मिक्स हो जा रहे। हमारे मसाले मिक्स हो चुके हैं, अब हम इसमें डालेंगे
नमक, नमक डालें स्वाद अनुसार। अब डालेंगे इसमें थोड़ा सा हम हींग डालेंगे, हींग इसमें ज़रूरी है ताकि थोड़ी बैली होती है अरबी। और मसालों को अच्छे से थोड़ा सा इसको भून लेंगे। थोड़ा सा डालेंगे हम इसमें पानी ताकि हमारे मसाले ना जले। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें पानी ताकि हमारे मसाले नीचे ना लगें। अब इसको हम 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि हमारे मसाले अच्छे से रल जाएँ। ये देखिए, अब इसको हम 3 मिनट पकने देंगे, ढक देते हैं। देखिए हमारा मसाला अच्छे से तैयार हो चुका है, बिल्कुल गोल्डन। और देखिए तेल छोड़ दिया है इसने। अब हम इसमें क्रश करके डालेंगे कसूरी मेथी, मेथी पत्ता होता है जो, ये देखिए इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब हमारा मसाला अच्छे से भून हो चुका है, पूरा गोल्डन हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे अरबी, ये देखिए जो अरबी हमने पहले से ही हल्की लाइट फ्राई की थी, फ्राई इसलिए की थी ताकि जो इसका चिपचिपन होता है वो चिपचिपन ना आए, सब्ज़ी बिल्कुल अच्छे से बने, आलू की जैसी चिपचिपी ना हो। अच्छे से मिक्स कर देंगे ताकि इसमें मसाले अच्छे से रल जाए। पानी हमने गर्म कर लिया है, थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे इसमें। अब इसको 2-3 मिनट के लिए पकड़ देते हैं, बाद में इसमें पानी डालेंगे। ये देखिए अरबी में हमारे मसाले अच्छे से रल चुके हैं। देखिए बिल्कुल अच्छे से मसाले हमारे अच्छे से रल गए इसमें। अब हम इसमें डालेंगे गर्म पानी ताकि हमारी सब्ज़ी झटपट से तैयार हो जाए। पानी आप ज़रूरत अनुसार डालें, जितना आपको ज़रूरत है उतना ही डालें। सूखी बनानी चाहे तो सूखी बना सकते हो, कि थोड़ा पानी डालना है तो पानी डाल लें। ये देखिए अब हम इसको 15 मिनट के लिए पकने देंगे, उसके बाद हमारी अरबी बनके तैयार हो चुकी होगी। अभी हम इसको ढक देते हैं। हमारी अरबी को 15 मिनट बनते हुए हो चुके हैं, पूरे 15 मिनट हो चुके हैं। ये देखिए तरीदार अच्छी अरबी, ये देखिए बिल्कुल चिपचिपी नहीं है, जो कि हमने इनको फ्राई किया था। थोड़ा सा फ्राई कर लें तो अच्छे से बनेगी, बिल्कुल आलू के जैसी, ऐसे नहीं होगी चिपचिपी होती है। ये देखिए देखिए अच्छे से पक चुकी है, ये देखिए, ये देखिए देखिए अच्छे से पक चुकी है। ये देखिए हमारी अरबी अच्छे से पक चुकी है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद। अब इसमें डालते हैं हरा धनिया, ये देखिए ये ना ज़्यादा पतली है ना गाढ़ी है, ये देखिए गाढ़ी गाढ़ी है, जैसे आपको अच्छी लगे वैसी बनाएं। सूखी बनानी है तो सूखी बनाएं, यदि थोड़ा पानी डाला है तो पानी डाला, मैंने थोड़ा पानी डाला है। ये देखिए अब डालते हैं इसमें हरा धनिया, अब इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। ये देखिए हरा धनिया इसमें अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें और थोड़ा हरा धनिया डाल देते हैं। हमारी अरबी की सब्ज़ी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।